कप नाम दें। इसकी जगह आप ई साला कप नहीं बोलेंगे तो फिर भी सही लगेगा, क्योंकि इस बार आरसीबी का टाइटल जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आईपीएल ऑक्शन 2024 दिसंबर को आपके पास एक पावर पैक स्क्वाड था, जहाँ पे आरसीबी को एक अच्छा स्पिनर चाहिए था, एक अच्छा ओवरसीज पेसर चाहिए था, और सबको लग रहा था कि स्टार्क या कमिंस को तो इस ऑक्शन में आरसीबी अपनी टीम में लेगा। लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट कहाँ ही सुधरेगी। अब सवाल ये था कि क्या सच में आरसीबी ने स्टार्क और कमिंस को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की थी। जवाब है ना, क्योंकि इस टीम को लेना था अल्जारी जोसेफ, जिनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 से ऊपर की है, जो कि शायद आरसीबी के लिए गलत डिसीजन साबित हो सकता है। एंड इन्होंने अल्जारी जोसेफ को 11.50 करोड़ में अपनी टीम में इंक्लूड किया, मतलब आरसीबी के पास टोटल 23.25 करोड़ का पर्स था, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा पैसा अपने अल्जारी जोसेफ के लिए लगा दिया। और तो और, कोर्जी या मधुशंका के लिए तो इन्होंने बिट भी नहीं की, जो कि इन्हें करना चाहिए था। चलो एक तो गलती हो गई, पर क्या आरसीबी ने और भी गलतियां करी, ये आपको आगे की वीडियो देखकर पता चल जाएगा। फिर आपने लिया यश दयाल को, वो भी 5 करोड़ में, मतलब आपके पास कार्तिक त्यागी या शिवम मावी जैसे पेजर्स का ऑप्शन था, पर आप उनके लिए नहीं गए। उसके बाद इन्होंने टॉम करॉन, लॉकी फर्गूसन, स्वप्निल सिंह और सौरभ चौहान को इस ऑक्शन में खरीदा था। अब ऑक्शन के बाद आरसीबी स्क्वाड की बात करें तो उसमें शामिल है फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयाश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लैमरोर, करण शर्मा, मनोज भांडगे, मयंक दागर, विजय कुमार विशक, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, रईस टोपले, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरून ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम करन, लॉकी फर्गूसन, स्वप्निल सिंह और सौरभ चौहान। इस स्क्वाड को देख के लग रहा है कि बॉलिंग इनकी अभी भी वीक है, और इस ऑक्शन में अगर हम आरसीबी 22 को अगर 10 में से रेट करें तो हम उन्हें देंगे 10 में से 6 मार्क्स। आप आरसीबी के इस स्क्वाड को 10 में से कितने मार्क्स दोगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।